Hello students, in today's video lecture we will learn food resources, which is the fourth part of second unit of environmental studies. In this video lecture we will discuss world food problem, changes caused by agriculture and overgrazing, effects of modern agriculture, fertilizer and pesticide problems, water logging and salinity. So, world food problem. Food is essential for growth and development of living organisms. These essential materials are called nutrients, and these nutrients are available from variety of animals and plants. There are thousands of edible plants and animals over the world, out of which only about 3 dozen types constitute major food of humans. So, world food problem. The global food problem consists of the lack of food provision for the Earth's population. Earth mein jitne bhi population hai, उनके लिए फूड जो है, खाना जो है वो शॉर्टेज हो रहा है. इसी को हम लोग कह सकते हैं वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम. द टोटल नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम ए लैक ऑफ फूड इज ओवर 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड. तो वो कितना ज्यादा है आप लोग समझ सकते हैं. तो 1 बिलियन पीपल जो है वो भूखा रहते हैं, हम लोग ऐसे कह सकते हैं. द फैक्ट इज दैट पॉपुलेशन ग्रोथ आउटप्लेसेस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज. जिस रेट से पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है तो उसी हिसाब से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए फूड शॉर्टेज हो रहा है. एज पर एस्टिमेट्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अबाउट 840 मिलियन पीपल रिमेन क्रोनिकली हंग्री. And out of this, 800 million are living in the developing world. So, ये जो डाटा है इससे आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये वर्ल्ड में कितने भूखे रहते हैं हर दिन. In last decade, it is decreasing at the rate of 2.5 million per year, but at the same time, world's population is increasing. So, last decade में भूखा रहना तो कम हो गया, ठीक है, लेकिन उसी हिसाब से पॉपुलेशन भी ग्रो कर रहा है. व्हाट आर द कॉजेस ऑफ वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम? क्यों ये फूड प्रॉब्लम हो रहा है? पहला तो है ओवर पॉपुलेशन. जितना जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना फूड का डिमांड बढ़ेगा, द डिमांड फॉर फूड विल इंक्रीज, एंड एज द फूड प्रोडक्शन इज वेरी लो ड्यू टू सर्टेन रीजन, वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम अराइजेस. ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ एनवायरमेंट. एनवायरमेंट को ओवर एक्सप्लोइट किया जा रहा है, इसलिए प्रोडक्शन भी कम हो रहा है. अनइक्वल डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज नॉट इक्वल थ्रू आउट द ग्लोब. फूड वेस्टेज. ए ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ फूड्स आर बींग वेस्टेज ऑलमोस्ट एवरी डे. देन अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन जैसे कि जंगल साफ करके वहाँ फैक्ट्री बनाना या फिर घर बार बनाना, तो रूरल एरियाज आर ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड एंड अर्बनाइजेशन इज गोइंग ऑन, फॉर विच द फूड प्रोडक्शन इज डिक्रीजिंग ड्रास्टिकली. डिप्लीशन इन फूड ग्रेनरी. द क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स आर ऑल्सो डिक्रीजिंग डे बाई डे. एक्सक्लूजन ऑफ पुअर कंट्रीज फ्रॉम ग्लोबल ट्रेड मार्केट. देन नेचुरल कैलामिटीज like flood, drought, forest fire, ये सभी कजेस है वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम के लिए. फूड सप्लाई एंड डिमांड इम्बेलेंसेस. जितना सप्लाई और जो डिमांड है इन दोनों में बैलेंस नहीं हो रहा है. इनएडिक्वेट फूड रिजर्व और कोल्ड स्टोरेज. कोल्ड स्टोरेज बहुत कम है, फूड रिजर्व बहुत कम है, तो वेस्ट होना ही है. लैक ऑफ गुड रिसर्च फैसिलिटीज. रिसर्च फैसिलिटीज आर नॉट डेवलप्ड, और इवन इफ दे आर डेवलपिंग इट इज नॉट अप टू द मार्क.
lack of good transportation facility, जो फूड प्रोडक्शन रिमोट एरियाज में हो रहा है वहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो इसीलिए सही जगह को उसको हम लोग पहुँचा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए फूड वेस्ट हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज चेंजेस कॉस्ट बाय एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या चेंजेस हो रहा है, ये तो दो तरह का है, एक तो चेंजेस कॉस्ट बाय ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और दूसरा चेंजेस कॉस्ट बाय मॉडर्न एग्रीकल्चर। सो बारी बारी करके हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में क्या इफेक्ट आता है और मॉडर्न एग्रीकल्चर का क्या इम्पैक्ट होता है। सो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट आर द चेंजेस विच आर कॉस्ट बाय ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। फर्स्ट वन इज डिफोरेस्टेशन। When we are going to expand the agricultural land, then we need to cut the trees. We need to clear off the forest. जितना ज़्यादा हम लोग agricultural land को expand करेंगे, उतना ज़्यादा पेड़ पौधे काटना पड़ेगा और deforestation होगा. Secondly, soil erosion भी होगा. Then loss of soil nutrients, top soil layer it contains nutrients that will be washed away and that leads to loss of soil nutrients. Overgrazing, जितना ज़्यादा population बढ़ेगा उतना ज़्यादा livestock बढ़ेगा, livestock जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा चारा खा जाएंगे, तो overgrazing इसका जो impact है वो क्या क्या impact है वो बाद में इसी video lecture में है, we will go through that in details. Changes caused by modern agriculture. Fertilizer problem. So in modern agriculture, a lots of fertilizers are used for the healthy growth of plants, for the healthy growth of crops. Fertilizers are generally inorganic substances, inorganic compounds which are used in crop field. Excessive use of these fertilizers are washed away with water during rainy season. They enter into water bodies which causes problems. Pesticide problem, again pesticides are the chemical substances which are used to kill or destroy pests, insects. We will discuss everything in details later on in this particular video lecture. Loss of soil nutrients, water logging, accumulation of water in certain places, that is also a change which is caused by modern agriculture. And salt accumulation, that is called salinity, मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा salt accumulate होकर रह जाएगा. So these are some of the changes which are caused by modern agriculture. Now the next part is effects of modern agriculture. तो modern agriculture क्या का effect, क्या का impact होता है. For sustainable production, modern techniques are used to enhance productivity of different cropping systems under different agro-eco-zones. Adoption of modern agricultural practices has both positive and negative effects on environment. Some common effects are soil erosion. Ek to soil erosion hoga. Irrigation also problem will arise during irrigation to the crop field. Then loss of genetic diversity and fertilizer problem, we will discuss in detail in this chapter, and pesticide problem. तो ज़्यादा से ज़्यादा pesticide use करने से क्या क्या problem आता है वो भी हम लोग इसी chapter में discuss करेंगे अगले slides में. So next is, what are the changes caused by overgrazing? Overgrazing मतलब ये जो लाइफ स्टॉक्स है जैसे कि काउस, बफालोस, गोट्स एटसेट्रा, वो ज़्यादा घास खा लेते हैं. जितना ज़्यादा लाइफ स्टॉक बढ़ेगा उतना ज़्यादा उनको भी खाना चाहिए, तो इसको कहते हैं ओवर ग्रेजिंग. इंक्रीज्ड डेंसिटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स हैज पुट फोडर प्रोड्यूसिंग लैंड्स अंडर स्ट्रेस. तो जैसे कि मैंने बताया था, पॉपुलेशन जितना ज़्यादा ग्रो करेगा उतना ज़्यादा
डोमेस्टिक एनिमल्स का भी डिमांड बढ़ेगा, वो दूध देते हैं, देन मीट प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि गोट्स, जितना ज़्यादा बढ़ेंगे वो एनिमल्स उतना ज़्यादा लैंड पे स्ट्रेस आएगा। अंडर हैवी ग्रेजिंग प्रेशर द क्वालिटी ऑफ लैंड डिटोरिएट्स। द माइक्रो क्लाइमेट ऑफ सॉइल बिकम्स ड्रायर। द लैंड इज एक्सपोज टू इरोजन बाय रेन एंड सरफेस रनऑफ। द लैंड भी इरोजन होगा, लैंड इरोजन होगा। रीजेनरेटिव कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज लॉस्ट, सो प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल इज ऑल्सो लॉस्ट। फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड प्रॉब्लम। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच अराइजेस बाय द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन क्रॉप लैंड। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स। These fertilizers are generally inorganic substances which provide nutrients to the crops. These contain micronutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. जैसे कि तुमने नाम सुना होगा NPK खाद जो होता है। So NPK, nitrogen, phosphorus and potassium. The rate of growth of plants exceeds their normal growth. हम लोग अगर ये NPK या फिर फर्टिलाइजर हम लोग यूज करते हैं, यूरिया हो गया, बाकी जो है सब, तो उससे क्या होगा, जो क्रॉप का जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगा। द डिमांड फॉर अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक जिंक, आयरन ऑल्सो एक्सीड्स द नॉर्मल रिक्वायरमेंट। तो जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं वो अपने रूट्स के थ्रू न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट करते हैं मिट्टी से, और हम बाहर से सप्लाई कर रहे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बस हो गया, वो ले लिए। लेकिन उनको चाहिए, उसी हिसाब से चाहिए जिंक, आयरन, ये भी चाहिए, लेकिन मिट्टी जो है उतना वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मिट्टी के अंदर वो ये सब चीज़ें जो आयरन है, जिंक है, ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है। सॉइल कैनॉट रिप्लेनिश द सप्लाई ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक योर जिंक एंड आयरन, सो वो उतना ज्यादा सप्लाई नहीं कर पाएगा। तब क्या होगा, द डेफिशिएंसी इन द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लीड टू ड्रॉप इन द प्रोडक्शन ऑफ मेनी क्रॉप्स। तो इससे क्या होगा, जो क्रॉप का प्रोडक्टिविटी है वो ग्रेजुअली सो नेक्स्ट पार्ट है पेस्टिसाइड प्रॉब्लम्स। टू कंट्रोल इंसेक्ट्स, पेस्ट्स, diseases and weeds which are responsible for reduction in productivity, different chemical substances called pesticides, insecticides, herbicides are used. Successful control of insects, pests and weeds increases productivity and reduces losses and provide security for harvest and storage. Applications of these synthetic chemical substances have great economic values and at the same time they cause number of serious problems, which are: they affect human health, which includes acute poisoning and illness caused by higher doses and accidental exposures. अगर गलती से कोई ये pesticide को inhale कर लिया या फिर consume कर लिया तो हेल्थ खराब होने के चांसेस है और इवन डेथ भी हो सकता है। एट लॉन्ग टर्म इफेक्ट दीज केमिकल सब्सटेंसेस, पेस्टिसाइड्स, दे कॉज कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स एंड अदर रिजनरेटिव डिजीजेस। तो कैंसर होने के भी चांस है, बर्थ डिफेक्ट्स होने के भी चांस है और कुछ डिजीजेस होने के भी चांसेस है अगर हम लोग ये जो पेस्टिसाइड्स है इसको इनहेल करते हैं या फिर कंज्यूम करते हैं। लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स कैन इफेक्ट सॉइल फर्टिलिटी। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज ऑल्सो लॉस्ट ड्यू टू लॉन्ग टर्म यूज ऑफ दिस पेस्टिसाइड्स। डेंजर ऑफ किलिंग बेनिफिशियल प्रीडेटर्स। कुछ प्रीडेटर्स हैं, कुछ जीव जंतु हैं
जो कि बेनिफिशियल है फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, तो वो भी मरने की, उनका भी मरने के चांसेस है वो पेस्टिसाइड के इफेक्ट में आके। पेस्टिसाइड्स रेजिस्टेंस एंड पेस्ट रिसर्जेंस, तो अगर हम लोग ये पेस्टिसाइड को बार बार यूज करेंगे क्रॉप फील्ड में, तो जो पेस्ट है, जो इंसेक्ट्स हैं, उनका रेजिस्टेंस पावर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और जैसे ही रेजिस्टेंस पावर उनका बढ़ जाएगा तो हम लोग जितने भी पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेस्ट होने के चांसेस है। नेक्स्ट इज वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग रेफर्स टू स्टैग्नेशन ऑफ वाटर ऑन टॉप ऑफ द सॉयल सरफेस एंड और द प्रेजेंस ऑफ अ हाई वाटर टेबल इनसाइड द सॉयल। वाटर लॉगिंग ऑकर्स व्हेन देयर इज टू मच वाटर इन ए प्लांट्स रूट जोन विच डिक्रीजेस द ऑक्सीजन अवेलेबल टू द रूट्स। वाटर लॉगिंग कैन बी मेजर कंस्ट्रेंट टू प्लांट ग्रोथ and production and under certain conditions will cause plant death. Then salinity. The term salinity refers to the concentrations of salts in water or soils. In hot countries like India, we need to supply water in crop fields many a times in a week. Each time the water is applied, some of it will evaporate and the salts in the water remaining will become more concentrated. High salt content in soil reduces its fertility. It affects the growth and productivity of plants, including damage to the crop. So salinity मतलब है salt का जमावट होना land में, crop land में सॉल्ट एकुमुलेट हो जाता है। इंडिया जैसे कि एक हॉट कंट्री है, वहाँ बार बार पानी देना पड़ता है, क्रॉप को सप्लाई करना पड़ता है पानी, तो पानी तो इवापोरेट कर जाएगा, बाकी बच गया, बाकी सॉल्ट रह जाएगा मिट्टी में, तो ये सॉल्ट कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा क्रॉप का जो है लॉस होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। वी विल Again meet in some other video lecture. Thank you.